सारा काम हमारा हो चुका है और अब हम जा रहे हैं रेडी होने के लिए, क्योंकि हमें आज निकलना है। जैसा कि आप सभी को पता है कि दुल्हन तैयार करने के लिए, तो आज मेरा नहीं, ब्राइडल मेकअप करना है। एक मिनट बैठ जाऊँ मैं। तो आज हमें क्या करना है, ब्राइडल मेकअप करना है। अभी हम नहा वहा चुके हैं और अभी मैं जा रही हूँ फेस वॉश करने, जो मैंने लिया है वाओ का, जो बहुत ज़्यादा अच्छा है। और इसे मैंने इससे पहले एक बार और यूज़ किया तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और इससे पहले मैं दूसरा फेस वॉश करती थी वाव का ही, तो मुझे लगा यार हमारी स्किन जैसी है, जैसी हमारी स्किन को ज़रूरत है उस हिसाब से हमें फेस वॉश लेना चाहिए। अगर हमारी स्किन डल हो रही है और काफ़ी ज़्यादा ड्राइनेस है तो हमें अलग फेस वॉश लेना चाहिए। और इस टाइम क्या है कि मेरी स्किन पर ये देखिए थोड़े से ये दाने हो रहे थे, अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। तो मैंने ये वाला फेस वॉश यूज किया, बहुत ज़्यादा अच्छा है और ये आपके पिंपल्स वगैरह को दूर कर देता है, तो भी मैंने इसको मंगाया और बहुत ज़्यादा ये देखिए बड़े हो गए थे पिंपल्स टाइप का, तो बहुत जल्दी इसने रिमूव कर दिया, काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है। और ये आपके स्किन में एक ग्लो लाता है, साथ ही साथ आपकी स्किन में क्या करता है, जी हाँ, आपकी स्किन को लाइट भी बनाता है और काफ़ी अच्छा है। इसमें कोई भी पैराबिन्स नहीं है, कोई भी कलर नहीं है, कुछ भी नहीं है। और इसके बारे में मैं अभी आपको डिटेल में बताऊँगी, लेकिन उससे पहले मैं फेस वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि आप लोगों ने बोला था दी आप कौन सा फेस वॉश यूज करते हो, तो मैं एक ये करती हूँ वाओ का, और वाओ का और भी है, तो वो मैं आप लोगों के साथ बाद में शेयर करूंगी। अभी फिलहाल मैं जा रही हूँ फेस वॉश यूज करने, सो मैंने कहा चलो आप लोगों को बता दूँ। तो चलो फटाफट से फेस वॉश कर लेते हैं, फिर आप लोगों से थोड़ी देर में मिलते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि ये वाओ का जेल फॉर्म में है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बिल्कुल वाइट सा है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कलर वगैरह जो मिला हुआ हो। और इससे आपके पिम्पल्स वगैरह दूर हो जाते हैं, जो आपकी स्किन में लालिमा झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, आपकी स्किन डैमेज हो जाती है, उन सबको ये अच्छे से प्रिपेयर कर देता है। साथ ही साथ शुष्क त्वचा यानी कि जो ड्राई स्किन हो जाती है उनको भी अच्छे से ये प्रिपेयर करता है, यानी कि बेजान जो शुष्क त्वचा होती है उनको ठीक कर देता है। और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, आपकी स्किन में ग्लो भी लाता है, साथ ही साथ आपकी स्किन में जो धूल मिट्टी कड़ वगैरह बैठ जाती हैं उनको भी ये अच्छे से निकाल सकता है। आप देख सकते हो कितना अच्छा रिजल्ट आया है, अभी मैं इसको बैक कैमरे से अच्छे से भी दिखाऊंगी आपको। सो गाइस आप देख सकती हो फेस को हमने वॉश कर लिया है और काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है, बहुत अच्छा है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। हाँ ठीक है, सो चलिए थोड़ी देर में आप लोगों से मिलती हूँ रेडी होने के बाद, ठीक है। गाइस ये है वाओ का स्किन साइंस ग्रीन टी फेस वॉश, जो जेल फॉर्म में मिलता है। इसमें कोई भी पैराबेंस, कोई भी सल्फेट, कोई भी सिलिकॉन्स, कोई भी कलर नहीं मिले हुए हैं। साथ ही साथ ये हेल्प टू प्योरीफाई स्किन 5 साइंस एजिंग का काम करता है, यानी कि आपके स्किन में त्वचा को शुद्ध करने में मदद करता है। साथ ये लाइन्स झुरियों को भी ठीक करता है, शुष्क थकी त्वचा को पुनर्जीवित करता है। साथ ही साथ ये आपकी स्किन जैसे कि ड्राई हो चुकी है तो उनको अच्छे से प्रिपेयर करता है, जो आपकी स्किन में झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, लाइंस पड़ जाते हैं, उनको भी कम करता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। सो एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सो गाइस अब हम यहाँ से निकल रहे हैं और ये देखिए पर्स लिया और रेडी करना, इसलिए हम ज़्यादा ताम छाम नहीं लिए, इस बैग में हमने सब कुछ अपना रख लिया है, लहंगा ज्वेलरी सारी चीज़ें। और आपके भैया बैग बंद कर रहे हैं सो हमने कहा, और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हमारा मास्क, तो वो हम दोनों ने लगा लिया है। बैग वाला ये पानी वाला कौन सा पानी वाला बैग तुम्हारा जो भरे हमको क्या पता, हमने तुमको बोला था ले दो। सो अब हम निकल रहे हैं और धूप बहुत तेज़ वाली हो गई लॉकडाउन की वजह से, आपको पता दिन ही दिन शादी हो रही है, इसलिए दिन में जा रहे हैं। और ये हमने मैक्सी ड्रेस पहनी हुई है, जल्दी जल्दी में हम आप लोगों को दिखा नहीं पाए। सो चलिए अभी हम बात कर लेते हैं अपनी रीना दीदी से, फिर क्योंकि निकल रहे हैं वो अचानक से देखें, ठीक। सो गाइस जस्ट अभी अभी हम आ गए हैं और अब हम जा रहे हैं ब्राइड का मेकअप करने। तो कुछ लोग, पिछली बार हमने ब्राइड का मेकअप किया था तो लोगों ने बोला था रियल नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको ब्लॉगिंग में ही सब कुछ दिखा दूंगी। और वीडियो बना रहे हैं तो अभी किसी को पता नहीं है कि ब्लॉगिंग चल रही है। सो अभी थोड़ा सा मास्क निकाल देते हैं और बाहर सभी गेस्ट लोग हैं, ये देखिए आपके भैया छोड़ के गए थे। पिछली बार जब मैं आपको बोली कि मैं निकल चुकी हूँ तो मैं अपना मेकअप बॉक्स और ट्राईपॉड भूल गई थी, फिर गई लेनी जल्दी जल्दी से,
सो चलो ब्राइड को भी हम बाद में दिखाएंगे, पहले थोड़ा सा इनका देख लेते क्या करना, फिर उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं थोड़ी देर में, ठीक है। यहाँ पर हम ब्राइड को जा रहे हैं रेडी करने के लिए, और सबसे पहले जो इनके बाल हैं वो सारे मैं जूड़ा लगवाऊंगी, पीछे करवाऊंगी, ताकि जब मैं मेकअप करूं तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इनका जो फेस है वो अच्छे से क्लीन करेंगे, क्लिनजिंग वगैरह करेंगे, और फेस वॉश इन्होंने कर लिया है, तो फेस वॉश मैं लेकर आई थी वो भी मैंने वाव का करवा दिया है, अच्छा है। सो आप लोगों ने तो देख ही लिया है, और इसके बाद क्लिनजिंग वगैरह फिर मेकअप। तो चलो अब इनका जो मेकअप है वो हम कर लेते हैं, और इसके बाद हम आप लोगों से मिलते हैं मेकअप करने के बाद, ठीक है। सो गाइस, ये रही हमारी ब्राइड जो फाइनली रेडी हो चुकी हैं, है ना, क्या संध्या। तो अब ये रेडी हो चुकी हैं, और नौ बच्चों का भी कुछ पता भी नहीं है, इनको रेडी करते करते टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है, और कैसी लग रही हैं आप लोग बताइएगा ज़रूर। सो ये मेकअप लुक जाएगा, अलग से मेकअप लुक जाएगा, और ब्लॉग में अलग से शूट कर रही हूँ। और ये है ब्राइड की बहन जो बना रही हैं, क्या बना रही हैं, थाल सजा रही हैं। तो थोड़ा सा आपको लुक दिखा दो, और अभी चूड़ा पहनाने जा रही हैं, ये देखिए। तो ये सारी चीज़ें तो ब्लॉग में ही जाएंगी, और मेकअप लुक तो अलग से जाएगा, ब्लॉग में थोड़ा सा शूट कर ले। और जो लाइटिंग है ना थोड़ी सी कम है, इसलिए जो फेस आपको थोड़ा सा क्लियर नहीं दिखेगा, जब लाइट में जाएंगी तभी फेस इनका क्लियर दिखेगा। तो चलो अभी मैं आप लोगों से बाद में मिलती हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। सो गाइस, ये देखिए पूरी तरीके से रेडी हो गई है जयमाला जाने के लिए। तो अभी होने जा रहा है अभी होने जा रहा है इनका क्लोज अप जा रहा है, तो हमने कहा फुल आउटफिट इनका हो चुका है पूरा रेडी, चूड़ा ज्वेलरी और सब कुछ हो चुका है, देख सकते हो। और इस लॉकडाउन में गजरा नहीं मिल पाया था वाइट वाला, तो हमने रोज वाले गजरे से काम चला लिया है। सो चलो अब मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाऊंगी, अब मैं आप लोगों से थोड़ी देर में मिलूंगी, ठीक है। वो ये देखिए पूरी तरीके से हमारी जो ब्राइड है वो रेडी हो चुकी हैं, और एक माँ बाप के बहुत ही ज़्यादा अरमान होते हैं इस शादी में, मतलब क्या मैं बोलूँ कि ऐसा करना है वैसा करना है। एक लड़की होती है उसकी भी बहुत ही ज़्यादा ख्वाहिश होती है कि मुझे ऐसा करना वैसा करना, लेकिन कहते पूरे अरमानों पे पानी फिर जाता है, मतलब आपको पता है कि इस समय कोविड का माहौल है और धूम धड़ाका कुछ भी नहीं। बेचारी की शादी रात की वजह से दिन में हो रही है, और शादी भी कैंसिल नहीं करवा सकते क्योंकि लड़के पक्ष के और लड़की पक्ष से इतना ज़्यादा अरेंजमेंट कर लेते हैं तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। कहते ना कि फिर माँ बाप कैसे कैसे करते, क्या क्या करके मैनेज करते हैं, तो बस ये एक लड़की और एक माँ बाप समझ सकते हैं। तो मजबूरी में उनको इस माहौल में शादी करनी पड़ी, क्योंकि ये लॉकडाउन भी लग चुका था, मतलब कि वही वाला सैटरडे संडे वाला, साथ ही कोविड का टाइम, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन कैसे कैसे करके सब कुछ हो गया, सभी लोग खुश थे, अच्छा भी लग रहा था। और ये मेरी पहचान की है इसलिए मैं यहाँ पर ब्राइड का मेकअप करने आई हूँ। बहुत लोग मुझसे बोल रहे थे कि दी आप मेकअप करते हो, थर्ड ईयर में मेकअप नहीं करती हूँ, शादी से पहले मैं बुकिंग वगैरह लेती थी, अभी फ़िलहाल मैं छोड़ दी हूँ। और यहाँ पे क्लोजअप हो रहा है आप देख सकते हो, तो कैमरा मैन लोग आए हुए हैं, और मैं यहाँ बोल रही थी ये मामी की बेटी है जो खड़ी है, मैंने कहा कैमरा मैन तुम ही बन गई, क्या फोटोग्राफर क्या करने लगे और कैमरा तुम ले लिए। तो यहाँ पर वो क्लोजअप बता रहे थे, जो अंदर क्लोजअप लिया जाता है वो हो रहा था। और इसको देखिए कितने प्यार से देख रहा है, ये है मेरी फ्रेंड का बेटा, तो उसी ने बोला था यार कर दे, तो फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल अभी क्लोजअप हो रहा है, इसके बाद हम कहाँ जाएंगे, जी हाँ जयमाल के लिए। तो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोग देख सको, और वाकई में ब्राइड काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। अभी इनकी सिस्टर को तो मैंने फ़िलहाल दिखा ही दिया है, तो चलिए थोड़ी सी ये क्या बोलते हैं यार वीडियोग्राफी, और काफ़ी अच्छा लग रहा था ये वाला रिकॉर्डिंग, क्योंकि संध्या जो थी, संध्या नाम है ब्राइड का, तो वो काफ़ी डर रही थी और रोने भी लगी थी, तो मैंने उनको चुप कराया कि मत रो क्योंकि पूरा मेकअप ख़राब हो जाता है, साथ ही एक बार ही होती है, बस होता है ना यार आंखों से आंसू तो निकल ही आते हैं। तो ये देखिए अब यहाँ पे इनको ले जाया जा रहा है बाहर, यानी कि ऊपर जयमाल के लिए, और बहुत कम लोग आए थे, तो यहाँ पे बस मैं दूल्हे राजा को देख के यहाँ से मैं निकल जाऊँगी, और आप लोगों को भी दिखाऊँगी दूल्हे राजा जी को। और ये ब्राइड की बड़ी बहन है, सिस्टर, तो ये ली हुई हैं जयमाल। तो चलिए अब हम भी इन लोगों के साथ चलते हैं कहाँ, जी हाँ दूल्हे जी के पास,
क्या करने है, जयमाल की रस्म देखने। तो यहाँ पर ये बाहर का एंट्री है, बाहर का माहौल है, और जितने भी पीछे आप देख सकती हो, कुछ लोग गांव के हैं, कुछ लोग कहीं के, सभी लोगों ने हर तरीके से अपने फेस को कवर किया हुआ है, और इनकी पूरी फैमिली ही है। अधिकतर बाहर के बहुत ही ज़्यादा कम लोग हैं, ज़्यादा लोग नहीं आए हैं। तो बस यहाँ पर दुल्हन की एंट्री हो रही है ऊपर जाने के लिए, और काफ़ी प्यारी लग रही थी ना, बार बार यही बोल रही थी। तो चलो अब हम लोग भी चलते हैं ऊपर दुल्हन के साथ जयमाल देखने। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, प्रॉब्लम भी हो रही थी रिकॉर्ड करने के लिए, लेकिन फिर भी हमने रिकॉर्ड कर लिया। तो चलिए फटाफट से चलते हैं ऊपर। तो फिलहाल अभी हम आ चुके हैं ऊपर स्टेज के पास, और यहाँ पर ये हैं दूल्हे राजा जी, और जो क्लोज़अप होता है ऊपर चढ़ने से पहले वो हो रहा है हाथ पकड़ कर कि जैसे दूल्हे जी चढ़ाते हैं, सभी के साथ ऐसा होता है, हमारे साथ भी ऐसा हुआ था। तो ये देखिए अभी जा रही हैं दुल्हन जी ऊपर जयमाल की रस्म करने। तो बस अब स्टेज पे दोनों आ चुके हैं, और अब होगी जयमाल की रस्म, लेकिन उससे पहले जो होता है फ़ोटोशूट वगैरह वो होने जा रहा है। तो फटाफट से पहले वो करवाएंगे, और जयमाल को जो पकड़ने की रस्म होती है फ़ोटो क्लिक वगैरह, तो वो होगा। तो अभी यहाँ उससे पहले जो पिक्चर्स ली जाती हैं वो ली जा रही हैं दोनों के साथ में, और बताया जा रहा है कि कैसे क्या। तो यहाँ पर ये देखिए जयमाल दिया जा रहा है, और इतनी ज़्यादा मतलब वीडियोग्राफी वाले थे कि मुझे क्या बोलते हैं यार, अपने कैमरे में कैप्चर करने में प्रॉब्लम हो रही थी। आप देख सकते हो ज़्यादा भीड़ भाड़ थी नहीं, क्योंकि आप सभी को पता है कि 50 लोग 60 लोग इससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, और सभी लोग दूर दूर ही थे, मास्क वगैरह तो लगा ही रखे थे। और अभी यहाँ पर ये देखिए जयमाल पकड़ा दिया गया है, और इसके बाद जयमाल की रस्म होगी, और पहले शायद दूल्हा डालता है ना, मुझे तो इतना याद भी नहीं है। तो अभी आप खुद ही देखिएगा। तो अभी फ़िलहाल क्या हो रहा है, जी हाँ जयमाल की रस्में हो रही, हाँ सॉरी पहले दुल्हन डालती है भूल गई थी मैं, कभी कभी होता है ना कि इंसान भूल जाता है। और यहाँ पे दुल्हन की बहन ने बोला यार ताली बजाओ सभी लोग, तो फिर वही सब लोग कर रहे थे। तो अभी यहाँ पे जयमाल डल चुका है, और जयमाल का भी क्लोज़अप होगा, जैसा जो होता है ना पकड़ के लोग जयमाल का क्लोज़अप करवाते हैं, फ़ोटो क्लिक वगैरह रिकॉर्डिंग वगैरह वो सारी चीज़ें होंगी। और आप लोगों को जोड़ी कैसी लगी आप लोग बताइएगा ज़रूर। और मैंने कहा कि चलो थोड़ी सी क्लिप आप लोगों को ऐसे भी दिखा देती हूँ बैठने के बाद स्टेज पे। तो यहाँ पर जयमाल हो चुका है, जो उनके फैमिली वाले हैं वो अब आशीर्वाद देंगे, और अब हम इसके बाद यहीं से हमारे ब्लॉग का एंड कर देंगे, क्योंकि घर जाके मैंने एंड नहीं किया था। सो अब हम कर देते इस ब्लॉग का एंड, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए।